हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगे तो बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंश कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा कहा, अब्बा हुजूर कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ, आपका रोना सही मेरा हंसना सही। कहा कि बेटा ये चक्की थी, ये दो पाठ थे, दाना मुँह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये आसमान और ज़मीन चक्की के दो पाठ हैं और दाने की जगह इंसान है, और ये भी मर करके मिट्टी बन जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा था। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपने दाना के मुंह को देखा, आटा बन गया, बस आपने इतना ही देखा, आपका रोना सही है, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान को, चलती चक्की देख के दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। प्रोग्राम खत्म हो गया, आपकी इजाजत होगी तो एक पैगाम दूंगा, सिर्फ एक मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शादी से पहले बेटा मेहरबान होता है माँ बाप के ऊपर, कमा करके देता है, लेकिन शादी के बाद माँ बाप पर सितम ढाता है, कमा करके नहीं देता। इस राज को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। शादी में दुपट्टे की हवा का इनकलाब होता है, शादी से पहले कमा करके देता था, जैसे दुपट्टे की हवा लगी किबला बदल गया, माँ बाप पर सितम करता है, गैर पर करम करता है। तीन मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए हैं तो दुआ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा कितना फास्ट में हाथ उठाया है, ये चैनल वाले ने शूट किया, कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। पैगाम तेज़ी के साथ बहुत मुख्तसर में आ रहा है, ख़त्म हो रहा है। रात में बेटा का इंतकाल हुआ, सुबह को लाश में चूटी लग रही है, इस मिसाल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मर रहा है बेटा, जबान बाहर आ रही है, आँख बाहर निकल रही है, चेहरा नीला पड़ रहा है और भयानक आवाज़ निकल रही है। दूसरी मिसाल को याद रखिए, माँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, ज़मीन ने पैर पकड़ लिया। तीसरी मिसाल को याद रखिए, रात में बेटा का इंतकाल हुआ, सुबह को लाश में चूटी लग रही है, पता चला कि माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, माँ बाप बीमार पड़े, अकेले मर गए, ये पूछने के लिए नहीं गया, अल्लाह ने मौत से पहले सजा दिया, रात में इंतकाल हो गया, चूटी ने पूरे जिस्म को नोच करके खा लिया। दूसरी मिसाल आपके सामने है, बेटा मर रहा है, आंख बाहर निकल रही है, जबान बाहर निकल रही है, चेहरा पूरा नीला पड़ गया है, बाप से पूछा गया कि तुम्हारे बेटे की हालत क्यों है, कहा बीवी को खुश करने के लिए माँ को जूते से मारा करता था, उसी की सजा है कि मौत तड़प तड़प करके आ रही है। इस फिक्र में मत रहिएगा कि माँ का नाफरमान है, मौत के बाद सजा मिलेगी, सजा मौत से पहले शुरू हो जाएगी। बीवी ने कहा था, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम माँ को रास्ते से नहीं हटाओगे, तो बेटा ने वादा कर लिया कि तुम इस बार आओ, माँ को रास्ते से हटा देंगे। गन्ने के खेत ले गया माँ को बहाने से, और बसूला से हमला करना चाहा, माँ तो बाहर आगे निकल गई, बेटे का पैर फंस गया, लोग हजार कोशिश किए उसको ज़मीन से निकालने के लिए, नहीं निकल सका, उसको कफन और कंधा तक नसीब नहीं हुआ। याद रखिएगा, माँ पर मेहरबान हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ, इतने बड़े मजमे में आपको पांच चीज़ अल्लाह देगा।
बादशाह बना देगा, गुलाम आप नहीं रहेंगे। और अगर आप दुश्मन हैं तो दोस्त बना लेगा, आपकी रोज़ी बढ़ा देगा, आपकी सेहत बढ़ा देगा, आपकी उम्र बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए, अगर गलत होगा तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने ज़बान दिया है, तुम माँ पर मेहरबान हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा, सेहत को बढ़ा देगा, उम्र को बढ़ा देगा। और बात अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में बशारत दिया, गुलाम हो तो अल्लाह आका बना देगा, अगर दुश्मन हो तो अल्लाह दोस्त बना देगा। आज के बाद माँ बाप को नहीं रुलाएंगे, माँ बाप पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आ चल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उकबा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। ध्यान दीजिएगा, आपका पैगाम ख़त्म हो गया। तीन वादा आपसे ले रहा हूँ, यहाँ से जाइए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से मुसीबत आती है, हराम कमाने की वजह से मुसीबत आती है, गलत माहौल में है उसकी वजह से मुसीबत आएगी। आप तौबा करके दिखाइए, कल से आपके घर आफत और मुसीबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छूटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतरून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें।